हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू निर्निंग पावर्ड बाई इंजीनियर्स अकेडमी डी आप सबका स्वागत है के YouTube चैनल में सो so जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं मैकॉन में द मेकॉन इज आर प्रीमियर मिनी रत्ना कंपनी जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील सो डियर स्टूडेंट्स इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे कुछ पोस्ट निकली हैं क्या क्या ब्रांचेस हैं मैं सारी की सारी आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और निम्बस लर्निंग आप कोई कैसे हेल्प करेगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस में ये सारी की सारी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो so, जैसा कि मैंने बताया मैकॉन इज अरत्ना प्रीमियर मिनीरत्ना जो कि काम करती है प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड कंट्रैक्टिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज में यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली है पोस्ट कम है बट परमानेंट जॉब है बहुत ही अच्छा पे स्केल है इसके लिए फाइट करना तो बनता है देखिए अगर मैं असिस्टेंट एम सिविल में बात करूं ओएल एंड गैस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग की दो पोस्ट है यहाँ पे चलिए आर्किटेक्चर हमारे लिए एक नॉन टेक्निकल वैकेंसी है तो वो जो आर्किटेक्चर वाले बच्चे हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं फिर मैं हूं फोर्थ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में तो यहाँ पे एज इंस्ट्रूमेंटेशन में एक वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल में एक वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर आयरन मेकिंग डिपार्टमेंट में आयरन मेकिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिनके पास में बी बी टेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो इस पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हैं आयरन मेकिंग में इसमें तीन वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर जी एम एम बी डिपार्टमेंट में यहां पे जिनकी बैचलर डिग्री है माइनिंग में वो डेफिनेटली अप्लाई करें एक वैकेंसी है और यहां पे आ जाइए फिर इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पे तो असिस्टेंट मैनेजर इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में जिसकी बैचलर डिग्री है लाइफ साइंसेज में जूलॉजी बॉटनी इनमें वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर बीबीटेक है अगर आपकी केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपकी मास्टर्स है इन द केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं कोई सब ब्रांच नहीं चलेगी सिर्फ और सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग सही चलेगी सो डी स्टूडेंट्स स्टूडेंट ये थी आपकी पोस्ट अब पे स्केल बहुत अच्छा है इसका इवन लेवल की वैकेंसी बीस हजार सौ से छियालीस हजार पांच सौ रुपए प्लस में यहां पे आपको जो भी जो भी अलाउंसेस हैं मेडिकल अलाउंसेस हैं जितने सारे डी वो सारे के सारे दिए जाएंगे बहुत ही अच्छी पोस्ट है बहुत ही अच्छा आपका पेस के लिए यहाँ पे बनने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज की यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है और निम्बस लर्निंग पर्सनल इंटरव्यू मॉक प्रिपरेशन के लिए आपके लिए प्लान कर रहा है सो डियर स्टूडेंट्स अगर मैकॉन में आप फाइट करना चाहते हैं कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है यहां पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है तो हमारे पास हमारे में जो हैं और जो एक्सपर्ट्स और आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो आपकी हेल्प करेंगे टू प्रिपेयर द इंटरव्यू सो अगर आप मॉक इंटरव्यूज लेना चाहते हैं अगर आप मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगर आप मैकॉन में एज ए एम की पोस्ट के लिए अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहां पे आपको गूगल फॉर्म दिया होगा वहां उसमें डिटेल्स अपनी डालें यहां से हमारे जो एग्जीक्यूटिव है आपको कॉल करेंगे फर्दर

और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको थाउजेंड रुपीज यहाँ पे पे करने होंगे जो एस सी एस टी पी डी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है डी स्टूडेंट्स ठीक है डेट की बात कर लेते हैं तो इसका जो स्टार्ट एप्लीकेशन है वो बेसिकली थर्ड नवंबर और इसका जो फाइनल लास्ट डेट होने वाला है दैट इज 25 दिसंबर गाइस आपके पास में बहुत टाइम है यू कैन बेसिकली फाइट फॉर दिस पोस्ट एंड ये थी आपकी डेट्स तो मार्क दिस डेट ऑन योर कैलेंडर अगर